it. Last day of the trek. Jorsel to Lukla. Nirvana Lodge, one of the cleanest lodge I have stayed in this trek. एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ है. आज कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं. कैसा भी हो वेदर, आज लुकला पहुंच नहीं है क्योंकि नेक्स्ट डे है मेरा फ्लाइट टू काठमांडू. तो चलते हैं सीधा हेड ऑन. जोरसेल का छोटा सा गांव निर्वाणा लॉज में मेरा बढ़िया टाइम गुजरा. रूम्स वर वार्म एंड कोजी. ट्रिप एडवाइजर में भी इनका अच्छा रेटिंग है. तो शायद जाने के वक्त आप लोगों को मौका ना मिले क्योंकि मैक्सिमम लोग फकदिंग से नमसे बाजार या फिर मोंजो से नमसे बाजार डायरेक्ट करता है. तो रिटर्न टाइम में जोरसेल में ज़रूर रुकिएगा क्योंकि यहाँ से आप लुकला कर सकते हो. करना ही होगा. आज लोग नमसे बाजार से लुकला कर लेते हैं और हम तो जोरसेल तक पहुँच गए. सुबह सुबह क्या नज़ारा है यार. एंटरिंग मोंजो. यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग होगा शायद. परमिट मुझे फिर से यहाँ दिखाना पड़े. अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ चुमुआ. मोंजो से बस थोड़ा ही नीचे जब मैं ट्रैक स्टार्ट किया था लुकला से तब यहीं पर रह गया था क्योंकि अंधेरा हो गया था. एक एक गांव को अलविदा कह रहे हैं. क्या करें, बहुत सारे मेमोरीज को साथ लेके जा रहा हूँ. हेलो, यू वांट चॉकलेट? ओके, आई गॉट इट. So this is my last fuse and your name? Share it with him. यहाँ रहा था फर्स्ट डे में लुकला से आके लुपसंग फैंसी ब्लॉग एंड रेस्टोरेंट. फ्री में रहा था यहाँ पर. सस्पेंशन ब्रिज में ट्रैफिक जम लग गया. आधा गया था तो वापस आ गया उधर से क्योंकि वहाँ खड़े होने का कोई जगह नहीं है मेरा. करीब 20 मिनट इधर खड़ा रहा मैं. ऐसा गलती मत कीजिएगा. ये सिचुएशन में अगर आप क्रॉस करना चाहोगे और सोचो कि ये साइड में खड़े हो जाएंगे तो नहीं, यहाँ पर देखिए लोहे का तार घुस जाएगा. ठीक है, और इन लोगों के बॉडी में जो लटकता है साइड में पूरा जगह कवर कर लेता है. तो बेहतर ये है पुल के पार ही आप खड़े रहिए. इन लोगों को जाने दीजिए. ये लोग केरोसिन और सिलेंडर लेके ऊपर नहीं पहुंचेगा तो आप खाओगे क्या? पोर्टर्स और शेरपा लोग म्यूजिक लगा के आगे बढ़ते हैं.
छोटा छोटा म्यूजिक का स्पीकर लटकाते हुए। लास्ट डे एक प्रॉब्लम हो गया था, रात को तो सोलर पैनल चलता नहीं है और मेरा दोनों ही पावर बैंक डेड, तो मैं अपना एक्शन कैमरा को और फ़ोन को कैसे चार्ज दूँ। फ़ोन में आधा चार्ज था तो मैंने क्या किया, दो फ़ोन को दो एक्शन कैमरा से कनेक्ट कर दिया। फ़ोन से भी एक्शन कैमरा चार्ज होता है, तो मेरा Insta360 और GoPro चार्ज हो गया। अभी तक चिप में मुझे चार्ज देने के लिए अपने डिवाइस को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। तो अगर आप सही इंतज़ाम करके नहीं आते हो तो ये ट्रैक में आपको जितना पैसा चार्ज में देना होगा वो पैसे में आपको 5 पावर बैंक आ जाएगा। मान लीजिए बहुत ही खराब लग रहा है, लेकिन ट्रैक ख़त्म करने से पहले जगह को लास्ट बार जी भर के एंजॉय कर लेता हूँ। पहले तो फकदिंग पहुँचना है, आज का रास्ता भी कुछ कम नहीं है। फकदिंग विलेज कहीं खा लूँगा, इसके बाद मैं अपना जर्नी का लास्ट लेग पूरा करूंगा। आगे जाने से पहले रेगी बार पेट में दाना पानी डाल लेते हैं। कुछ तो गए हैं बार में, लेकिन नो दारू सारू, सिर्फ खाना। पापड़, राइस, चिली चिकन, टमाटो चटनी, कोक। यहाँ का चिली चिकन का अलग ही स्वाद है। जनरली आलू और अंडा बिना मैं कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन थक गया हूँ इसलिए खाना पड़ रहा है। कितना चैन का नींद सो रहा है। लंच डन, लेट्स रन टुवर्ड्स लुकला। यहाँ से 7.5 किलोमीटर और जाना है। पहाड़ों में कितना जल्दी वेदर चेंज हो जाता है। आज तो लुकला पहुँचना ही है। जैकेट खोला था क्योंकि गर्मी लग रहा था, अभी इतना ठंड लग रहा है, फिर से रक्षा खोल के जैकेट पहनना मुश्किल है। थोड़ा तेज चलता तो बॉडी वार्म अप हो जाता है, लेकिन खाने के बाद तेज चलना भी बहुत मुश्किल है। The last suspension bridge before I fly out of Lukla. Thank you for being a part of this amazing journey.
क्रॉसिंग चेपलुंग लास्ट रिकॉग्नाइज्ड विलेज बिफोर लुकला। यहाँ से और 3 किलोमीटर जाना है अप्रॉक्सीमेटली। डाइवर्सन अहेड। ये देखिए सामने क्या लिखा है, वे टू जिरी एंड सल्लेरी। अगर आप लोग काठमांडू से लुकला बिना फ्लाइट का आते हो, पूरा ट्रेक करके आना चाहते हो, तो काठमांडू से 10 घंटा ड्राइव करके आना होगा, उसके बाद जिरी या सल्लेरी से ट्रेक करते हुए आना होगा। वहाँ से गौरीशंकर कंजर्वेशन एरिया का परमिट मिलेगा और खुम्बू पसंग लामू वो जो परमिट है लुकला से मिलता है, वो तो जगह आप कवर करके निकल रहे हो तो वो परमिट आपको मोंजो से मिल जाएगा। मतलब मोंजो से दो परमिट, सागरमाता और खुम्बू परमिट दोनों ही मोंजो से मिल जाएगा। ये जगह याद है ना, लुकला में उतर के फर्स्ट खुम्बू पसंग परमिट मैंने लिया था फ्लाई एयरपोर्ट। ओके फाइनली अराइव्ड लुकला टूरिस्ट पुलिस स्टेशन। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। मिशन अकम्प्लिश्ड। डू आई नीड टू एनरोल अगेन? नो नो, मेरे पास बुक्ड टिकट है कल लुकला से काठमांडू का, फिर भी इसको रिकन्फर्म कर लेता हूँ, क्यों बाद में बताता हूँ। Do I need to reconfirm here? No. Yep. Sir. Just for information, can you tell me, sir, whether reconfirmation is always compulsory or compulsory? Okay. I am flying by Yeti Airlines. मुझे अभी पता चला कि अगर आपके पास booked ticket भी है पहले से, तो भी उसको reconfirm करना जरूरी है। ये देखिए, तो इन्होंने टिकट के ऊपर मार्किंग कर दिया। रिकन्फर्मेशन इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि यहाँ वेदर ख़राब होता रहता है, फ्लाइट नहीं मिलता है कन्फर्म टिकट होने के बाद भी। जब भी आइए 4 बजे से पहले आके यहाँ पर टिकट को रिकन्फर्म कर लीजिए, ताकि आपको बोर्डिंग पास मिलने में प्रॉब्लम ना हो। हाथों में 2-3 दिन कुशन रख के आइए। क्या होता है, यहाँ फ्लाइट कैंसिल होता रहता है और टूरिस्ट 4 दिन 5 दिन 6 दिन लुकला में वेट करता रहता है। मिनिमम 2 दिन रखिएगा काठमांडू से के देश में रिटर्न जाने से पहले, ताकि यहाँ का फ्लाइट अगर मिस हो जाए वेदर प्रॉब्लम के लिए, तो नेक्स्ट डे आप फ्लाई करके जा सके और आपके पास इनफ कुशन रहेगा अपने देश में वापस जाने के लिए। हमेशा याद रखिए, स्केड्यूल को इतना टाइट मत बनाइएगा। एवरेस्ट लॉज एंड रेस्टोरेंट लुकला, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हो, ओनली 300 रुपीज। तो आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। लॉज में चेक इन किया हूँ, सामान रख के मैं उसी जगह जाऊँगा जहाँ से मैंने अपना ट्रेकिंग स्टार्ट किया था, वहीं पर जाके ही मैं अपना ट्रेकिंग ख़त्म करूँगा। ठीक है, चलते हैं, ट्रेकिंग ख़त्म करते हैं, लुकला का कुछ दुकान देख लेते हैं, शॉपिंग एरिया, वापस रिवाइंड करके काठमांडू से लुकला का एपिसोड में आ जाइएगा, जिस दिन मैं मोंजो तक गया था। यहाँ से मेरा ट्रैक स्टार्ट हुआ था और ऑफिशियली यहाँ पर मेरा ट्रैक ख़त्म हो रहा है। द ट्रैक इज ओवर। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक किसी का भी ड्रीम ट्रैक नहीं रहना चाहिए, इट इज पॉसिबल। थोड़ा थोड़ा पैसा जमाइए, डिटर्मिनेशन हाई रखिए। मैं बहुत ही लेजी, एक्सरसाइज नहीं करने वाला, थक जाने वाला, स्लो ट्रेक करने वाला आदमी हूँ। ट्रेकर 4 घंटे में करता है, मैं 8 घंटे में धीरे धीरे करता हूँ। सो इफ आई कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। चलिए थोड़ा यहाँ का दुकान देख लेते हैं घूम फिर के।
यहाँ पर लुकला में सारे दुकान घूमने के बाद एक दुकान मुझे बहुत ही यूनिक लगा। तो अगर आप एवरेस्ट बेस कैंप करने के बाद आके लुकला एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा, नेक्स्ट डे आपका फ्लाइट रहेगा, तो आप घूमिएगा, ये सब आप देखिएगा, बहुत यूनिक है। मैडम, व्हाट्स द नेम ऑफ योर शॉप? कैरावन। मैं कुछ चीजें दिखा दे रहा हूँ और बेस्ट प्राइस देता है, कुछ चीज मैंने भी सिलेक्ट किया है। शॉप्स क्लोज हो चुका है, स्नीक पीक ऑफ नाइट लुकला मार्केट। सोलो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। लंगड़े घोड़े का बहुत साथ दे दिया उन्होंने। अभी टाइम है, सच में ये ना होता पता नहीं क्या करता। अभी ये सारा सामान को सही से पैक कर लेंगे, जल्दी से सो जाएंगे। कल पास में ही है एयरपोर्ट, लुकला एयरपोर्ट, सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना है उधर। मिलते हैं लुकला टू काठमांडू वाला ब्लॉग में।